नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी बिहार न्यूज़। अभी हम लोग मधुबनी जिला के नाजीपुर में हैं और यहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भूमिहार ब्राह्मण समाज के नेता आशुतोष कुमार जी। सबसे पहले तो आरजी बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को। आज के नाजीपुर आने का आपका मुख्य कारण क्या था? हम लोग आमंत्रण देने आए हैं आगामी 3 मई को पटना के बापू सभागार में परशुराम जयंती का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग विभिन्न जिलों में घूमकर परशुराम भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोग मधुबनी पहुंचे। आपने एक बात कहा कि परशुराम भक्तों को, लेकिन आपने तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया है, क्या लगता है कि वो परशुराम भक्त हैं? क्यों, परशुराम भक्त में कोई जाति तो हमने कहा नहीं, हमने जाति का नाम तो लिया नहीं। परशुराम भक्त से तो सिर्फ भूमिहार और ब्राह्मण समाज का नाता है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, तो फिर राम जी की पूजा केवल राजपूत को करना चाहिए, कृष्ण की पूजा केवल यादव को करना चाहिए? तो जाति के अनुसार जैसे राम जी विष्णु के अवतार हैं, जैसे भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, आप परशुराम जी को विष्णु के अवतार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। तो फिर ये जाति, इनको जाति में क्यों बांट रहे हैं? तो परशुराम जयंती होना चाहिए, जैसे राम भक्त केवल राजपूत नहीं सभी जाति के लोग होते हैं, कृष्ण भक्त केवल यादव नहीं सभी जाति के लोग होते हैं, उसी तरह से परशुराम भक्त केवल ब्राह्मण भूमिहार नहीं सभी जाति के लोग होंगे। तो आप सभी जाति को निमंत्रण देंगे? बिल्कुल, सभी जाति के लोगों का मन। तो ये हो गई परशुराम जयंती की बात। क्या लगता है बोचहा में राजनीति के बाद अब क्या 2024 और 25 में कैसा रहेगा? 24-25 में अभी समय है, अभी तो हम लोग अपने संगठन को पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो आज यही निमंत्रण का कार्यक्रम ही था। क्या लगता है 3 मई को कितने की संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे? बहुत संख्या में पहुँचेंगे और हमको लगता है कि बापू सभागार में जितनी सिटिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग पहुँचेंगे। पहले तो दूसरे जगह व्यवस्था था, बाद में बापू सभागार गर्मी को देखते हुए वो शिफ्ट करना पड़ा, चूँकि वो ओपन ग्राउंड में था, इसलिए। चलिए, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता पार्टी के सह भूमिहार ब्राह्मण के नेता आशुतोष कुमार जी, इनसे हमारी बात हुई। ये अभी मधुबनी जिला के नाजीपुर में आए हुए थे और यह न्योता देने के लिए आए हुए थे कि 3 मई को जो बापू सभागार में परशुराम जन्मोत्सव होने को है, उसको लेकर मधुबनी जिला में सहित कई जिलों में ये भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल आरजी बिहार न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।